न्यूमेरिकल्स में, गैल्वेनोमीटर के न्यूमेरिकल्स में पहला फॉर्मूला, करंट का फॉर्मूला डिफ्लेक्शन के साथ क्या किया हमने, के अपॉन एन बी इन टू एल्फा, एल्फा इज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन अ गैल्वेनोमीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर न्यूमेरिकल डिफ्लेक्शन पे आता है तो ये फॉर्मूला, फिगर ऑफ मेरिट हमने देखा, रेसिप्रोकल ऑफ करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी क्या आती है एल्फा बाय आई, और फिगर ऑफ मेरिट क्या है आई बाय एल्फा, तो करंट सेंसिटिविटी एल्फा बाय आई, फिगर ऑफ मेरिट आई बाय एल्फा, करंट सेंसिटिविटी का ये फॉर्मूला एन बी ए बाय के और फिगर ऑफ मेरिट का रेसिप्रोकल। नेक्स्ट है वोल्टेज सेंसिटिविटी, एल्फा अपॉन वी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस अपॉन वोल्टेज, एल्फा का मतलब क्या है इसमें, वी का मतलब आई आर, तो एल्फा बाय आई करंट सेंसिटिविटी हमें पता है ये फॉर्मूला काम आएगा। ये पहला क्वेश्चन, रेक्टेंगुलर क्वाइल है जिसका एरिया आपको पता है एंड 60 टर्न्स, एन भी पता है एरिया भी पता है, पिविटेड अबाउट वन ऑफ इट्स वर्टिकल साइड्स, तो वर्टिकल साइड के ऊपर से टांग दिया ताकि डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो सके, क्वाइल रेडियल हॉरिजॉन्टल फील्ड में, बी का फॉर्मूला 90 गॉस है, गॉस को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है टेस्ला, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10^-4 तो किस में कन्वर्जन होगी टेस्ला, व्हाट इज द टॉर्शनल कांस्टेंट के निकालना है, स्प्रिंग का के निकालना है, अगर करंट 0.20 मिली एम्पियर, बहुत छोटा करंट मेजर करता है गैल्वेनोमीटर, 0.20 मिली एम्पियर बहुत छोटा है, प्रोड्यूसेस एन एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ, अल्फा क्या है 18 डिग्री, मैंने बताया था अल्फा डिग्री में भी हो सकता है, रेडियन में भी और डिविजन में भी, क्या निकालना है आपको, के करंट का फॉर्मूला आता है अल्फा की टर्म में, क्रॉस मल्टीप्लाई करके के, आपको एन पता है, बी पता है, एरिया पता है, करंट पता है और अल्फा पता है, आंसर ये आएगा, और आंसर में जो यूनिट्स होंगे वो क्या होंगे, एन बी आई ए क्या होता है टॉर्क, टॉर्क क्या होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस यानी कि न्यूटन मीटर, और डिनोमिनेटर में क्या है डिग्री, तो न्यूटन मीटर पर डिग्री, अगर रेडियन में होता तो पर रेडियंस, डिवीजन होता तो पर डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है रेक्टेंगुलर क्वाइल हैविंग ईच टर्न ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्स कितना गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो एल इंटू बी से क्या आ जाएगा एरिया, इज सस्पेंडेड फ्रीली इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल का मतलब टॉर्क इसमें मैक्सिमम लगेगा, बी आपको गिवन है वेबर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला होता है, टॉर्शनल कॉन्स्टेंट भी गिवन है न्यूटन मीटर पर रेडियन, द क्वाइल डिफ्लेक्ट थ्रू एन एंगल ऑफ 0.2 रेडियन, देखो एक चीज चेक करने वाली होती है, अगर आपको ये न्यूटन मीटर पर रेडियन गिवन है और यहाँ से डिग्री गिवन है फिर नहीं चलेगी, बात नहीं बनेगी, अगर रेडियन है तो हर जगह रेडियन, डिग्री है तो हर जगह डिग्री, डिवीजन है तो हर जगह डिवीजन, नहीं है फिर कन्वर्जन करनी पड़ेगी। व्हेन करंट ऑफ आई पता है पास थ्रू इट, फाइंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, तो फिर से सिंपल क्वेश्चन है, आई और अल्फा का रिजल्ट आता है, इसमें क्या निकालना है नंबर ऑफ टर्न्स, टॉर्शनल कांस्टेंट पता है, अल्फा पता है, आई पता है, बी पता है, एरिया पता है, नंबर ऑफ टर्न्स कैन बी कैलकुलेटेड, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट,
देखो क्वेश्चन है, करंट ऑफ 200 माइक्रो एम्पियर डिफ्लेक्ट्स द कॉइल ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर थ्रू 30 डिग्री। तो अगर गैल्वेनोमीटर में करंट इतना है तो डिफ्लेक्शन अल्फा इतना है, व्हाट शुड बी द करंट, यानी कि आई टू निकालो, अगर रोटेशन इतना है, अल्फा इतना है, यानी कि वही गैल्वेनोमीटर है, आई वन अल्फा वन, आई टू अल्फा टू। तो अब क्वेश्चन में ये डिग्री है और ये रेडियंस है, ये अलाउड नहीं है, डिग्री डिग्री, रेडियंस रेडियंस। तो पहले ये निकालते हैं, फिर सेंसिटिविटी निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें आई वन पता है, अल्फा वन पता है, आई टू नहीं पता, अल्फा टू पता है, लेकिन रेडियंस में गवन है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए पाई को 180 डिग्री, 18 डिग्री, पाई रेडियन 180 डिग्री। तो अब इसमें आई वन का फॉर्मूला अल्फा वन की टर्म में गिवन है, आई टू अल्फा टू की टर्म में गिवन है, लिख लिया फॉर्मूला, बाकी सारे फैक्टर तो चेंज किए ही नहीं उसने, आई और अल्फा चेंज कर रहे हैं, डिवाइड कर देंगे तो रेशियो आ गई। अब क्वेश्चन में आई टू निकालना है, अल्फा टू पता है, अल्फा वन पता है और आई वन पता है आंसर, तो एक आंसर आ गया। नेक्स्ट है करंट सेंसिटिविटी, तो करंट सेंसिटिविटी होती क्या है, अल्फा बाय आई, तो या तो आप यूज कर लो अल्फा टू बाय आई टू या यूज कर लो अल्फा वन बाय आई वन, आंसर सेम आएगा। पर यूनिट ध्यान से, क्योंकि अल्फा इसमें डिग्री में चल रहा है और करंट माइक्रो एम्पियर में चल रहा है, तो यूनिट्स डिग्री पर माइक्रो एम्पियर, राइट। नेक्स्ट, गैल्वेनोमीटर नीड्स 50 मिली वोल्ट फॉर अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 50 डिविजन्स। तो 50 मिली वोल्ट रीड करता है, तो 50 डिविजन्स के लिए, यानी कि एक मीटर लगा हुआ है, सोचो उस मीटर पे कितनी डिविजन्स हैं, 50, 0 से 50 एंड होता है, और 0 से वोल्टेज कितनी मेजर करता है वो 50 मिली वोल्ट, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वोल्टेज जो वो मेजर कर सकता है वो 50 मिली वोल्ट है, और सुई जो है कितने डिवीजन कवर करती है, 50। फाइंड इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी, क्या होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी, अल्फा बाय वी। अभी क्या डिस्कस किया, अल्फा मैक्सिमम कितना है, 50 डिवीजन, तो वोल्टेज कितनी है उसमें, 50 मिली वोल्ट। मिली वोल्ट को वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, डिवीजन पर वोल्ट में आंसर वोल्टेज सेंसिटिविटी आ गए, ठीक है, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है आपको निकालना है व्हाट मस्ट बी इट्स रेजिस्टेंस ताकि करंट सेंसिटिविटी इसके इक्वल हो। देखो जो करंट सेंसिटिविटी है, जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है रादर, वो करंट सेंसिटिविटी बाय रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है। तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होती है, करंट सेंसिटिविटी बाय वी वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी गिवन है, वोल्टेज सेंसिटिविटी गिवन है, डिवाइड करके क्या आएगी, रेजिस्टेंस, राइट। तो इसमें ये माइक्रो एम्पियर है, इसको एम्पियर में कन्वर्ट कर, 10 की पावर -6 एम्पियर, 10 की पावर -6 न्यूमिनेटर में जाएगी, तो 10 की पावर 6 डिवीजन पर एम्पियर, और यहां पर डिवीजन पर वोल्ट, डिवीजन डिवीजन कैंसल, एम्पियर पर वोल्ट क्या होता है, ओम्स, आंसर।
क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, एरिया बी, रेजिस्टेंस गिवन है। कह रहे जी इंडिकेटर सिंपल वे टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी बाय 25%। 25% करंट सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहता है, साथ में हिंट भी दे रहे हैं, इट इज नॉट ईजी टू इंक्रीज ए और बी। सीधा ही बोल दे, डोंट यूज ए एंड बी, डोंट इंक्रीज ए एंड बी। ईजी क्या बोल रहे हैं, ईजी क्या, मुश्किल से कर लेंगे। ये हिंट गिवन होगा, तो प्लीज ए और बी को नहीं टच करना। तो इसका मतलब बचा क्या, नंबर ऑफ टर्न्स, और तो कुछ बचा ही नहीं। तो इस केस में करंट सेंसिटिविटी का ये फॉर्मूला है, ठीक। तो करंट सेंसिटिविटी का ये फॉर्मूला है, आपको बी को टच नहीं करना, ए को टच नहीं करना, के टच नहीं हो सकता, बचा क्या, नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स है कितने, 24। अगर आप चाहते हो कि करंट सेंसिटिविटी 25% बढ़ जाए, तो नंबर ऑफ टर्न्स भी 25% बढ़ाने पड़ेंगे। अब नंबर ऑफ टर्न्स थे कितने, 24 का 25% यानी 1/4 क्या होता है, 6। 24 + 6 = 30, तो नंबर ऑफ टर्न्स 24 की जगह 30 कर दो, राइट, क्लियर है। नेक्स्ट है, इफ इन सर इसमें के नहीं इंक्रीज कर सकते, के स्प्रिंग कांस्टेंट इंक्रीज नहीं होता ना, ओके सर सेम रहेगा। इफ ओके सर डूइंग सो रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इंक्रीजेस टू 21 ओम, अ प्रॉब्लम हो गई। नंबर ऑफ टर्न्स कहां से कहां हो गए, 24 से 30 हो गए, तार ज्यादा लंबी यूज हो गई, तो रेजिस्टेंस बढ़ गई। रेजिस्टेंस थी कितनी पहले, 14, अब कितनी हो गई, 21। अब वो कह रहा है, इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ मॉडिफाइड मीटर ग्रेटर या लेस, बड़ी कि कम हुई। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी तो ये होती है, आपने नंबर ऑफ टर्न तो बढ़ा दिए, बी ए के यूज नहीं किया, तो आपका आर भी बढ़ गया, तो यानी कि वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ी या कम हुई मालूम नहीं। तो इसका मतलब आपकी जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है, अगर आप बी ए के को यूज नहीं कर रहे, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी किन दो फैक्टर पे डिपेंडेंट है, एन और आर। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी किस पे प्रोपोर्शनल है, एन बाय आर। पहले पुराने मीटर में नंबर ऑफ टर्न्स 24 थे जब रेजिस्टेंस 14 थी, और अब 30 कर दिए जब रेजिस्टेंस 21 हो गई, तो एन बाय आर की रेशियो बढ़ने की बजाय कम हो गई।
तो आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी भी एन बाई आर की वैल्यू कम हो गई, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी कम हो गई, तो डिक्रीज हो गई। ठीक, नेक्स्ट। टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बाय 50%, आपको करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाना है 50%, इट्स रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड, रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज कर दो। पर सोचने वाली बात है कि करंट सेंसिटिविटी के अंदर रेजिस्टेंस यूज ही नहीं होती, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में यूज होती है ना। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला था एन बी ए बाई के आर, यूज ही नहीं हो रही, पर चलो कोई बात नहीं। उसने कहा करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा दो 50%, बढ़ा दिया। कह रहा है रेजिस्टेंस को बढ़ा दो 2R, रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया, ट्वाइस कर दिया, R की जगह 2R। अब वो पूछ रहा है बताओ वोल्टेज सेंसिटिविटी का फिर कितने परसेंट या कैसे इंक्रीज हुई। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी करंट सेंसिटिव बाई आर है, अब नई वोल्टेज सेंसिटिविटी में जो करंट सेंसिटिविटी है वो चेंज हो गई और रादर रेजिस्टेंस भी चेंज हो गई। सच बताऊं तो यहां पर मुझे ये पुट करना चाहिए, करेक्शन है, नई वोल्टेज सेंसिटिविटी नई करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय 2R, या 2R भी करो क्योंकि रेजिस्टेंस भी उसने ट्वाइस करने को कही, राइट। तो अब इस केस में करंट सेंसिटिविटी कितनी बढ़ गई बाय 50%, तो थी कितनी IS, 50% बढ़ गई तो कितनी होगी 150/100 IS, यानी कि 3/2 IS। तो अब एक काम करते हैं, यहां पे पुट कर लेते हैं 3/2 IS और रेजिस्टेंस 2R है 3/4, ये है पुरानी वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो नई वोल्टेज सेंसिटिविटी इज 3/4 टाइम्स पुरानी वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो कितना कैसे चेंज हुआ, 0.75, राइट। तो ये पॉइंट सबको क्लियर है,